री गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू यू आर वॉचिंग क्लास टूडेज टॉपिक इज एज यू कैन सी डिस्पोर्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रो अ ग्लास प्रिजम इसका क्या मतलब है कि अगर हम व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करेंगे गिलास प्रिजम पे तो उस लाइट से क्या हो सकता है यू नो वट विल है वाइट लाइट इफ द वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिजम यू नो इट लाइट इंटू इट कॉन्स्टुंट कल दैट इज कॉल्ड एज डिशन ऑफ वाइट लाइट सिंपल सो कल अगर यह एग्जाम में आता है एग्जाम में आता है बेटा डेफिनेटली एग्जाम में आता है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन की डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट का मतलब क्या है देखो व्हाइट लाइट इज कंपोज ऑफ मेनी कलर्स or we can say it's composed of seven colors. And when the light is, when light passes through a prism, the prism key property, it splits these colors into seven different colors. So the splitting of white light into the band of seven colors or into the connoisseur colors, that is called as dispersion of white light. सपोज बेटा आई विल टेक अ प्रिजम हा प्रिजम ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया तो प्रिजम की जो एक्सप्रेशन है वो भी हमने एक्सप्लेन की तो सपोज हम एक सिलिट लेंगे सिलिट मतलब होल सो दैट वन शॉर बीम ऑफ लाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड तो एक सिलिट हम लेते हैं लाइक like दिस एक सिलिट लेते हैं वहां से हम लाइट को पास करेंगे तो इट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिजम तो ये व्हाइट लाइट है ये इंसिडेंट रे है तो इट विल सुप्लिट पहले रिफ्रैक्शन होगा इट विल सुप्लिट इनटू बैंड ऑफ सेवन कलर्स लाइक दिस टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन लाइक दिस टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन and my dear you will obtain on a screen seven different colors acronymed as v i b g y o r here it is red color orange yellow green blue indigo and violet color so this phenomena of splitting white light into its constituent colors this splitting of white light into constituent colors is called as dispersion of white light dispersion of white light now the question here is from the figure clearly you can see द मैक्सिमम डिविएशन अगर हम देखेंगे लाइट का वो वायलेट कलर का है तो वायलेट कलर जो है वो सबसे ज्यादा डिवेट होती है और जो कम डिवेट होती है दैट इज रेड कलर दैट इज व्हाट कलर रेड कलर ये क्वेश्चन आता है इन 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 डिस्पर्शन ऑफ लाइट वाई रेड कलर डिवेट इज मिनिमम एंड वाइलेट कलर डिवेट इज मैक्म सो यू कैन फ्रॉम द फिगर यू कैन क्लियरली सी दैट वाइलेट कलर की जो मैक्सिमम डिवेशन आप देख सकते हैं मैक्सिमम डिवेशन ये ज्यादा डिवेट हो गया है और अगर हम इसकी बात करेंगे ये, ये वाला ये रेड कलर ये मिनिमम डिवेट होता है बेटा इट डिपेंड्स अपॉन द वेव लेंथ

अनदर इज से फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द गिलास यू कैन टेक द प्रिज्म तो यहां से ये वाला जो मीडियम है दिस इज एयर और ये वाला जो है इट इज सपोज मान लीजिएगा वो नॉट सपोज बट इट इज इट अ गिलास सो इट अ प्रिज्म तो मैंने ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था कि जब लाइट रियरर मीडियम में चली जाती है इट हैज ऑल द कलर है सेम विलास्टी इस वाइट कलर में जितने भी व्हाइट व्हाइट लाइट में जितने भी कलर्स है ना ये सारे के सारे कलर्स एक ही से ट्रेवल करते हैं लेकिन माय डियर मेरा बच्चा जब ये किसी मीडियम में चली जाती है इन सारे कलर्स की जो विलास्टी है वो चेंज हो जाती है वो क्या हो जाती है चेंज आप बोलोगे सर चेंज क्यों हो जाती है क्योंकि बेटा हर किसी कलर का अपना अपना वेव लेंग होता है हर किसी कलर का बेटा क्या एक वेव होता है 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 यू ओपन द टेक्स्ट बुक बेटा वहां वहां पे 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 एक टेबल दिया गया है। वहाँ पे लिखा है कि किसको कितना वेव है। मैं यहां दो ही मेंशन करूंगा क्योंकि यहां पे आपके जहन में दो ही सवाल आएंगे सर रेड लाइट जो सर रेड कलर जो है मिनिमम डिवेशन दिखाता है और जो वाइलेट कलर है वो मैक्सिमम डिवेशन दिखाता है इसलिए याद रखेंगे बेटा जो रेड कलर है इसकी वेव लेंग है 7900 नाइन जीरो जीरो एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द वे राइट और वाइलेट कलर की अगर हम बात करेंगे ज्यादा वेव लेंग किस की रेड कलर की सबसे ज्यादा क्या सबसे ज्यादा जो वेव लेंथ है वो किसकी है बेटा दैट इज रेड कलर और सबसे छोटी वेव लेंग जो है वो वाइलेट कलर की है आप गोर से समझना बेटा क्योंकि देखो जब white light medium में चली जाती है करती है करती तो जितने भी इसमें होते हैं हैं वो एक ही velocity से करते लेकिन जो ही बेटा ये वाइट लाइट किसी मीडियम में चली जाती है जितनी भी कलर्स इसमें होंगे सात कलर्स होंगे सात कलर्स के डिफरेंट होंगे क्यों क्योंकि उनकी वेवलेंथ डिफरेंट है

अगर ज़्यादा किसको होगी जिसको वे ज्यादा होगी अब देखो इसमें सबसे ज्यादा किसको है सर, कलर को. इसका मतलब होगी हो 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 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी इसका आ, डिवेशन कम होगा इसका डिवेशन क्यों दे आर इनवर्सली प्रपोर्शनल यहां पे हम लिख सकते हैं एन इज इनवर्सली वी ग्रेटर दिलासिटी Lesser is लेसर Deviation द here डीवेशन हेयर मीनज एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन हाउ this glass has to deviate. अगर मेरा आप लेक्चर देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इट इज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम हाउ मच एबिलिटी हाउ मच पावर इट हैज टू बेंड द लाइट मोर टूवर्ड्स इट तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा बेंड होगा लेकिन यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि वेलोसिटी ज्यादा मीन एन कम तो अगर एन कम है तो इस रेड लाइट को बेटा ये रेड कलर को ये ज्यादा डिवेट नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए एन कम है और वी ज्यादा है व्हाट अबाउट विलास्ट वायलेट कलर वायलेट कलर का कम है विलास्टिक कम है तो डिवेशन कितना होगा ज्यादा होगा समझ आ गया, गया बेटा सो दिस इज एक्चुअली द कॉज ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट ओके बेटा

उट फ्रॉम एलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन जो कुछ मैंने कहा बिल्कुल तो तो और वो डिफरेंट डेवियन एंगल डेवियशन क्या उनका अलग अलग होता है तो जब एंगल अलग होगा तो उनकी जो डायरेक्शन है वो भी अलग होगी दैट इज वाई अभी जो हमने डायरेक्ट दिखाई कलर्स की डायरेक्शन एक जैसी नहीं है सम इज बेंट लेस सम मोर सम मोर सम इवन वेरी मोर आर यू गेटिंग माई पॉइंट सो दिस इज द रीजन दिस इज द रीजन वन मोर पॉइंट इफ इफ यू हैव ओनली इफ दे इमिट ओनली वन टाइप ऑफ लाइट आर कार्ड मानोक्रोमैटिक बट वाइट लाइट मेंट कितने कलर्स में होती है बहुत सारे कलर्स में तो इट इज कार्ड पॉलीक्रोमैटिक इट इज वट कार्ड तो कल क्वेश्चन आएगा व्हाइट लाइट इज एटलीट इट्ल टू मेनी कलर्स दैट इज वाइट इट इज कार्ल पॉलीक्रोमेटिक एक सोडियम लंप अगर आपने लैब में देखा होगा तो इट प्रोड्यूस येलो कलर ओनली येलो कलर इसका मतलब है इट इम इट इस ओनली वन कलर तो सोडियम लंप जो है इट इज अटिकट इज वट मानोक्रोमेटिक बहुत सारे ऐसे कलर कलर्स है जो एक ही कलर इमिट करते हैं वो उनको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लेकिन हमारी जो व्हाइट लाइट है इट हैज़ अ मिनी कलर्स इट इज कॉल्ड पॉलीक्रोमेटिक वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम एक स्क्रीन पे जो सारे कलर्स हमने ओप्टेन किया ओप्टेन की तो दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम दैट इज कॉल्ड वर्ड द बैंड ऑफ कलर्स दैट वी ओप्टेन ऑन द स्क्रीन वेन वाइट लाइट गेट्लिडेड कलर्स वहां पर जो एक बैंड ऑफ कलर्स बनता है ना जो हमारी आंखें देख सकती है वट विजिबल स्पेक्ट्रम देखो फिर से मैं बोल रहा हूं ये है, ये एक रे ऑफ लाइट मैंने ली तो इट्स इन टू सेवन कलर्स मान लीजिएगा दो रेज आएंगे तो ये कलर्स खसन ना पिटुस पेट तो जो स्पेक्ट्रम है वी कैन ऑप्टेन टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम अगर कलर्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ओवरलैप नहीं हो गई ये अलग अलग बैंड ऑफ कलर बना तो दैट इज कॉल्ड एज प्योर स्पेक्ट्रम अगर बहुत सारे कलर ऊपर चढ़े गए चढ़ गए दे ओवरलैप विद ईच अदर दैट इज कॉल्ड एज इम स्पेक्ट्रम दैट इज कॉल्ड जो अभी मैंने डायग्राम बनाई वो प्योर स्पेक्ट्रम की है लेकिन अगर ये वाली डायग्राम अगर हम देखेंगे तो ये मतलब क्या ये ओवरलैप हो गए तो इट इज कॉल्ड इम्प्योअर स्पेक्ट्रम तो दिस वॉज ऑल अबाउट डिस्पर्शन ऑफ लाइट आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब Subscribe to my channel and don't press the bell and don't forget to press the bell icon so that you can get latest notifications. Thank you, may Allah bless you and keep watching Shahid Sir's Physics class and always keep learning. Thank you.